हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन अकेडमी, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर इंटर्न में। माई सेल्फ प्रभास कुमार, आई हैव बीन टीचिंग जीएस फॉर मोर देन 6 ईयर्स एंड मेंटोर मोर देन 80,000 स्टूडेंट्स सो फार। आई हैव ऑल्सो क्लियर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वन अकेडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सके। आप हमसे टेलीग्राम ऐप पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको अपकमिंग वीडियोज़ के साथ एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी शेयर कर दिए जाएंगे। एंड फॉर श्योर और सेलेक्शन आपके पास डिफरेंट मंथ के प्लान है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ से 24 मंथ। फायदा यह है कि अगर आप 12 या 24 मंथ के प्लान लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव होगा, क्योंकि साल से 1.5 साल का प्रिपरेशन करने में टाइम लग ही जाता है, तो आपके पास इतने टाइम का मटेरियल भी होना चाहिए। प्लस यहाँ पे जितने भी टॉप एजुकेटर्स आप देखते होंगे ऑनलाइन, वो सारे टीचर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे। तो जो भी टीचर्स को आप देखते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, उस सभी का क्लास आप ले पाते, तो ये बहुत बड़ा फायदा है। प्लस आपको PDF कंटेंट मिल जाता है, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज और क्विजेस, ये रेगुलर बेसिस पर, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जी, हर टीचर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाता है और अपडेटेड मटेरियल देता है। तो ये सभी चीज़ें आपको फीचर्स रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा अगर 6, 12 या 24 मंथ के प्लान को ऑप्ट करते तो उसमें नो कॉस्ट EMI फैसिलिटी भी है। अगर आप इसमें रेफरेंस कोड जोड़ देते तो फर्दर 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। मतलब 1 साल का कोर्स 6,000 है, 5,400 में अवेलेबल हो जाएगा। 7,200 का कोर्स आपको 6,400, बस इस कोड को यूज़ करना है, PRABHSH, आपको 10%, चाहे किसी भी मंथ के साथ आप अप्लाई कर लीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट, चाहे बैंक, SSC, UPSC, किसी भी स्ट्रीम में आप कोई भी चीज़ प्लान कर रहे हैं लेने का, तो आप इस रेफरेंस कोड को यूज़ कीजिए एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट। नाउ मूविंग टू द मेन जनरल अवेयरनेस MCQ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेयर इज द वॉर हीरोज स्टेडियम बेस्ट? फर्स्ट गुजरात, सेकंड पंजाब, थर्ड बिहार एंड फोर्थ इज हरियाणा। तो डेफिनेटली द वॉर हीरोज सेकंड पंजाब, कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के CM है। चल क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच सिटी इज इंडिया इज नोन एज सिल्वर सिटी? फर्स्ट है आगरा, सेकंड है चेन्नई, थर्ड है रौरकिला एंड फोर्थ है कटक। तो आंसर याद रखिएगा कटक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द नेशनल इम्बलम ऑफ बांग्लादेश? फर्स्ट है वाटर लिली, सेकंड ईगल, थर्ड गोल्डन रॉड एंड फोर्थ रोज। ऑब्वियसली आप लोग शॉक कर रहे होंगे कि दूसरे घंटे का कैसे पूछ रहे हैं, बट क्वेश्चन है, कभी भी कुछ भी आ जाते हैं, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है? जैसे किसी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एग्जाम में क्या कर देता है, किसी दूसरे कंट्री का संसद के बारे में पूछ देता है कि मान के चलिए बताइए कि संसद का नाम क्या है जापान के, तो आपको याद रहना चाहिए कि डाइट है, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ये सब भी याद रखना होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, द एशिया लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट डेटा सेंटर, योतानम फर्स्ट डेटा सेंटर वॉज इनोग्रेटेड एट विच स्टेट? फर्स्ट गुजरात, सेकेंड केरला, थर्ड महाराष्ट्र एंड फोर्थ बिहार। याद रखिएगा महाराष्ट्र, ठीक है? अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, एक तो चंदौली, नवगांव, ये सब याद रखिएगा, गुगामल, ठीक है? तो ये सब इंपॉर्टेंट है, नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, राधा नगरी, पैन गंगा, सागरेश्वर, तिपेश्वर, भीमशंकर, तुंगरेश्वर, ये सब सारे इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र में कौन है CM? तो भगत सिंह कोशियारी, ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया, पांचवा पे आ जाते, द ऑल इंडिया रेडियो प्लान टू ब्रॉडकास्ट द फर्स्ट एवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम ऑफ विच लैंग्वेज? फर्स्ट है संस्कृत, सेकेंड है हिंदी, थर्ड है मराठी एंड फोर्थ है उड़िया। तो आंसर याद रखिएगा, तो संस्कृत जो हम लोगों ने अवॉइड करना शुरू कर दिया, तो उसे नया एक रूप दिया जा रहा है, ऑल इंडिया रेडियो प्लान टू ब्रॉडकास्ट फर्स्ट एवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम ऑफ विच लैंग्वेज? तो संस्कृत, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच कंट्री हैज फॉर्मली इशूड नोटिस टू यूनाइटेड नेशन रिगार्डिंग विड्रॉल फ्रॉम WHO? That is World Health Organization. First है रशिया, second है ब्राज़ील, third है चाइना एंड fourth है यूनाइटेड स्टेट्स। Sixth है याद रखिएगा, fourth यूनाइटेड स्टेट्स। तो WHO World Health Organization का बच्चों हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। अच्छा, जिनेवा जैसे ही नाम आता है तो बहुत सारे यहाँ पे, एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी कहीं पे जेनेवा में। उसके बाद आप सुनते हो UP, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये भी कहाँ पे है? तो बर्न में।
राजधानी किसका है? स्विट्जरलैंड में। उसके बाद ICRC इंटरनेशनल कमिटी फॉर रेड क्रॉस, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यहीं पे। फिर UNCTAD यूनिकटैड, ये भी वहीं पे, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलप। ये सब सारा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है? कभी यूनिसेफ का पूछ देता है, कहाँ पे यूनिसेफ? तो न्यूयॉर्क में। यूनेस्को कहाँ पे है? तो पेरिस में। तो आपको जितने भी इंटरनेशनल एजेंसी हैं सभी, चाहे इंटरनेशनल बैंक हो, ठीक है, प्राइवेट बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो, तो इन सभी को भी आप रेगुलर बेसिस पे याद करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, व्हिच इज द फर्स्ट मेजर इंडस्ट्रियलाइज कंट्री दैट हैज अनाउंस टू फेज आउट कोल एंड न्यूक्लियर एनर्जी? फर्स्ट है यूनाइटेड किंगडम, सेकेंड है जर्मनी, थर्ड है अर्जेंटीना एंड फोर्थ है नीदरलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर हो जाएगा जर्मनी। अच्छा, जर्मनी में कौन सा हेडक्वार्टर है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का। ट्रांसपेरेंसी इंटर कहाँ पे? बर्लिन में। ये भी याद रखिए, दोनों चीज़। कोल और ये इन्वायरमेंट के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है ना। क्वेश्चन नंबर 8, हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF? AP माहेश्वरी, सेकेंड है राजेश रंजन, थर्ड है अनूप कुमार सिंह एंड फोर्थ है SS देसवाल। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट, AP माहेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 9, हु विल बिकम द फर्स्ट वुमेन पैरेड एडजेंट फॉर द रिपब्लिक डे पैरेड 2020? तो फर्स्ट है सैला रमी, सेकेंड है अंजलि सिंह, थर्ड है तानिया शेरगिल एंड फोर्थ है शिवांगी। तो आंसर रखिएगा 9th का, थर्ड तानिया शेरगिल। क्वेश्चन नंबर 10th पूछ रहा है, विच यूनियन टेरिटरी होस्टेड द फर्स्ट एवर फूड प्रोसेसिंग समिट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर टू द रीजन? फर्स्ट है दिल्ली, सेकेंड है लद्दाख, थर्ड है चंडीगढ़ एंड फोर्थ है पुडुचेरी। तो याद रखिएगा बच्चों, 10th का लद्दाख। अब यूनियन टेरिटरी घोषित हो गया, ठीक है, राधा कृष्ण माथुर और यहाँ पे गवर्नर, तो इसको भी याद रखिएगा। दिल्ली के गवर्नर कौन है? तो ये भी याद रख लीजिएगा, अनिल बैजल साहब, ठीक है। यहाँ पे कौन है? VP सिंह वदनोरे। पुडुचेरी सबको मालूम है, फर्स्ट लेडी। तो ठीक है, अगर आपको इम्पोर्टेंट ये लगे, ये सेशन आपको अच्छा लगे, तो इस बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। अगर आप अनअकैडमी से कुछ भी परचेज करते हैं तो इस रेफरेंस कोड का यूज़ कीजिएगा, PRABHSH, इस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार ये कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अपकमिंग वीडियोज़ के साथ साथ एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी शेयर कर दिए जाएंगे। यूट्यूब पे भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। आपके कंस्ट्रक्टिव सजेशन के लिए मैं हमेशा ईगरली वेटिंग करता हूँ, क्यूरियस रहता हूँ कि आप क्या सजेशन देते हैं, और उसको मैं फॉलो करने का भी कोशिश करता हूँ। तो आप अपने सजेशन जरूर यूट्यूब में जरूर दिया कीजिए, ठीक है। तो बच्चों, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन मेरे हिसाब से आप लोगों का सही चल ही रहा होगा, और अगर सही चल रहा है तो मेरे हिसाब से आप लोग जितना हो सके आप फोकस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आवर दीजिए। लॉकडाउन के टाइम में सेफ भी रहिए, मगर एक और चीज़, आप जो टाइम पहले ऑफलाइन कोचिंग में जाते थे या जाने आने में वेस्ट कर देते, वो टाइम आपको मिला है तो उसको भी आप इसी में डालिए, तो ज़्यादा आउटपुट आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। कोशिश कीजिए 8 घंटे से 10 घंटे 10 घंटे से 12 12 से 14 घंटे तक पढ़िए, 15 घंटे तक पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम में कंपटीशन भाई साहब बहुत है, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपको ये मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि 6-7 घंटे का ये एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप एप्लीकेंट देखेंगे तो आइडिया लगेगा कि हाँ एग्ज़ाम किस लेवल का है, ठीक है। वैकेंसियाँ कम होती हैं, एप्लीकेंट ज़्यादा होते हैं, और कंपटीशन आपको सिर्फ एक स्ट्रीम से तो होता नहीं है, ग्रेजुएट होते हैं, BTech होते हैं, MBA वाले होते हैं, तो लेवल इसीलिए इतना इन्हांस हो जाता है। तो पहले BTech वाले इतने फॉर्म फिलअप नहीं करते थे गवर्नमेंट जॉब, तो आज के डेट में सभी फॉर्म फिलअप करते हैं, क्योंकि अपने कंट्री में एक पैशन टाइप का है, नशा टाइप का है, गवर्नमेंट जॉब का क्रेज़ है। तो अगर आपको, अगर ये जॉब क्रैक करना है, आपको ये बिल्कुल लेना ही है, आपको लाइफ में सुकून से रहना है, तो उसके लिए अभी कुछ दिन के लिए सुकून भूलना पड़ेगा। 6 महीने साल भर के लिए आपको उतना ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि आपको एक कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट मिल जाए। एक बार हो गया फिर लाइफ सेट है, उसके बाद जो करना है करते रहिए, फिर आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर इनिशियल स्टेज पे डेली बेसिस पे 12 से 14 घंटे पढ़िएगा, रिजल्ट तभी बच्चों को मिलेगा, नहीं तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि आप इतना पढ़ भी लिए और रिजल्ट भी वैसा नहीं आए। तो इसको ध्यान रखिएगा।